जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अभी कहीं जा रही हूँ। घूमने तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, बट कोई ऐसी जगह जा रही हूँ, शायद कुछ लोगों में से आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो फिलहाल तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि लेट हो रही हूँ, तो फटाफट से निकलती हूँ, नहीं तो वहाँ पहुँचने में हम लोग लेट हो जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर आगे मैं आप लोग को बताती हूँ रास्ते में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, बबलू क्या कर रहा है? राज की नुया नहीं खा रहे? और देखिए वीडियो, आपका जलेबी कहाँ गया इसको? ओह यहाँ आ गया। आप क्या खा रहे? बबलू बाबू कैसा लगा वो खाना? नमक कम है? ओके। अरे बाबू साहब को नमक कम लग रहा है, नमक मिर्च दे दो। कैसा था नाश्ता? बहुत अच्छा। आपको कैसे लगा? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी क्रॉस होने दीजिए फिर बताते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा व्यूज है, और फिर कैंटीन दिखाते हैं कि आर्मी कैंटीन कैसा होता है, अंदर से कैसा दिखता है, क्या क्या होता है, सब आर्मी कैंटीन दिखाते हैं। और हम लोग यहीं पे कौन सा शॉप है, ये वाला, ये जो नाश्ता का शॉप है ना, यहाँ पे हम लोग जा करके ब्रेकफास्ट किए, बहुत अच्छा बनाया था। छोटा सा ढाबा है बट टेस्टी लग रहा था। पूरी सब्जी हम लोग खाएं, जलेबी और सब खाएं, चाय वाय पी के यहीं से निकले हैं। और यहाँ पे हम लोग की गाड़ी लगी हुई है, और ये मिरर में हम दिख रहे हैं आप लोग को। बस अब इन लोगों का वेट करें, ये लोग वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये रहे हैं, यहाँ पर ये लोग सब गए हैं जूस और पीने के लिए। ये देखिए भैया लोग सब आ रहे हैं इधर से, ये आ रहे हैं सब। आज हम लोग सब जा रहे हैं कैंटीन, ये दोनों भैया, ये हस्बैंड प्रथम। कहाँ जा रहे हो? कैंटीन जा रहे हो? ओके, पेट्रोल पंप कौन सा नहीं बतिया जाता है, आप ही लोग बतिया रहे जी। ज्यादा ज्यादा ज्ञान मत दीजिए आप सर। रुको ना, हम उड़ जाएंगे तो यहाँ से रामगढ़ और रामगढ़ हम रामगढ़ इंटर कर गए। अच्छा, इंटर कर गए। ये मिरर में, मिरर में हम भी दिख रहे हैं, यहाँ मिरर में। और देखिए नजारा, अभी हम लोग मुड़ेंगे आगे से, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे नहीं अब रामगढ़ हम लोग। हल्का ड्राइवर है, हल्का ड्राइवर। इनको रास्ते नहीं पता, इतना बार हम लोग कैंटीन गए हैं लेकिन इनको रास्ते नहीं याद रहता है, कभी हर बार बताना पड़ता है। और बस फिर यहाँ पे हम लोग आर्मी कैंटीन हम लोग एंटर कर जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखता है स्टार्टिंग में। और फिर जितनी भी यहाँ पे इंक्वायरीज होती है, हमारी चेकिंग वगैरह सब हो जाती है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंटीन का एरिया, हाँ, यहाँ पे कैंटीन और इधर प्लेग्राउंड भी बना हुआ है बच्चों के लिए। और अब जा रहे हैं हस्बैंड एंट्री करवाने के, यहाँ पे एंट्री होता है, इसके बाद ध्यान से बेटा ट्रॉली चल के ले लेता है। यहाँ पे ट्रॉली लगी हुई है, यहाँ से ट्रॉली लेके अब हम लोग कैंटीन के अंदर एंट्री करेंगे। बड़ा वाला ले लीजिएगा ना, इसको बहुत मज़ा आता है प्रथम को, कैंटीन कैंटीन करता है ना। इस बार हमें एंट्री के समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, वो थे आर्मी में, और अब वो रहे नहीं, तो हमारे पास डिपेंडेंट कार्ड है, बट हमने दे रखा है और भी कार्ड बनने के लिए, बट इस अभी वो बन के आया नहीं था, तो एंट्री में थोड़ी परेशानी हुई थी। बट जो ऑफिसर थे ना, उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल आप अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस आर्मी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करते हुए अंदर जाना होता है, और जब कार्ड बन करके आ जाएगा तो फिर आगे से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो फिर ग्रॉसरी लेने के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं ट्रॉली सेक्शन
सीज़न में, और कैंटीन का सामान है बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि यहाँ के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। तो हमने यहाँ से एक दो ट्रॉली भी हमने परचेज़ किया था और बस यहाँ पे ग्रॉसरी कंप्लीट हो जाती है। सब सारा सामान खरीद लिए हम लोग, बैठो यहाँ पे। और बहुत भीड़ है आज कैंटीन में, बिलिंग काउंटर में। तब यहाँ जो टाइम लगे फिर बाहर निकल के आप लोग से बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग का सारा सामान खरीदा गया और हस्बैंड ये अभी ये बैग लिए ना, उसमें सारा सामान हम लोग रख रहे हैं। कुछ ऐसा बैग वैग लाए नहीं थे, इस ट्रॉली बैग में सारा सामान रख रहे हैं। ठीक है, तभी सामान को रखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप लोग और दिखाएंगे आगे, अभी दूसरे कैंटीन में भी जाना है हम लोग को। चलिए बने रहिएगा। ये लिकर शॉप भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिकर शॉप भी है जिसमें मेरे हस्बैंड को जाने के लिए मना कर दिया गया है, बोले हैं कि नहीं जाने के लिए आपको क्योंकि इनका भी डिपेंडेंट कार्ड बना नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाएंगे हम लोग वहाँ पे। बाकी देखिए ये एरिया कैंटीन का, उधर से प्रथम को प्यास लगा तो बबलू आ रहे हैं पानी लेके प्रथम के लिए। कुछ ऐसा है कैंटीन का एरिया, बहुत सुंदर सा है। प्रथम गया इधर पानी लेने के लिए, और ये सारा सामान गाड़ी में रखते हुए बबलू सिंह अपना जिम का सारा इस्तेमाल करते हुए एक के बैग रखने में बबलू में पावर आ जाता है। का तो काम हो गया, अब हम लोग जाएंगे। ये SRC था है कि PRC है? ये PRC, ये पंजाब वाला कैंटीन है। अब हम लोग सिख वाले में जाएंगे, पंजाबी हुआ ना वो, सिख कैंटीन हुआ ना, पंजाब रेजिमेंट वाला कैंटीन है, और अब हम लोग जाएंगे सिख रेजिमेंट कैंटीन में। यहाँ पे सारा सामान रखा रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं SRC कैंटीन की तरफ। फिर वहाँ भी एंट्री करने से पहले हमें पूरी इंक्वायरी होती है हमारी, कहाँ से आए हैं, जो भी उनके RB के रूल्स होते हैं सारे फॉलो हमने करने होते हैं, तो वो सब कुछ फॉलो करते हो फिर हम पहुँच जाते हैं SRC सिख रेजिमेंट कैंटीन पहुँच गई है। SRC का एरिया है पूरा। अभी हस्बैंड गए फिर से एंट्री करवाने के लिए, आते हैं फिर हम लोग चलते हैं अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा सा है। कहाँ जा रहे हैं अब हम लोग? SRC वाला ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंटिक पीस था, मतलब एंटिक सामान सब भी मिलता है सही रेट पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे एंट्री मिलता है या नहीं मिलता है, या स्टॉप करते हैं। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है हम लोगों के साथ में, नहीं हाँ ये SRC कैंटीन तो क्लोज है। अब हम लोग चलते हैं पहले कैंटीन, यहाँ कैफेटेरिया में जाके पानी ले लेते हैं, बहुत तेज़ प्यास लगी है। पानी पी के फिर एक और कैंटीन है उसमें बढ़ते हैं, क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया ना इसलिए क्लोज़ होने लगा है अब कैंटीन, और ओपन होगा 3:30 बजे, और उतना देर कौन हम कहाँ वेट करेंगे। तो चलिए पहले पानी लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं वो कैंटीन भी खुला है या नहीं खुला है अभी। आई एम रिकॉर्डिंग प्रथम, शो मी योर हैप्पी फेस। हैप्पी? नो दिस इज़ नॉट योर हैप्पी। हाँ यस, गुड बॉय। देखो ठंडा पानी आ गया, लो पियो। बहुत ठंडा है, सूट नहीं कर रहा। देखिए कितना सुंदर कैंटोनमेंट एरिया लगता है देखने में, साफ सफाई बिल्कुल। SRC कैंटीन तो क्लोज हो गया था क्योंकि उस वक्त जो है लंच का टाइम हो गया था, तो एंट्री बंद थी, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। बाकी आपको नेक्स्ट कभी जाऊँगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे हम लोगों को सिर्फ एक दो सामान ही लेना रह गया था, तो हमने कहा कि ठीक है वापस चलते हैं। और एक छोटा कैंटीन और था, हमने कहा एक बार वहाँ पर भी ट्राई कर लेते, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो नेक्स्ट टाइम हम आते ही रहते हैं। और बाकी आप लोग ये देखिए कितना सुंदर कैंट के अंदर का नज़ारा होता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, ये सारे ट्रेनिंग्स एरिया होते हैं। और नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको तो एंट्री यहाँ पे परमिशन मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही आ सकते हैं जो आर्मी के जो फैमिली होती है, बस उनको ही एंट्री मिलती है। तो अब जी ये जो कैंटीन है ना ये सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे अच्छा सामान मिल जाता है। हम लोग वहाँ से ऑलरेडी सामान ले लिए थे, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना वो यहाँ से ले लेंगे अब हम लोग। तो देखिए कितना सुंदर एरिया, ये कितना अच्छे से सफाई से सारा है। ये यहाँ से क्या क्या मिला? बस ये हैंड वॉश, चलो इतना हो गया ना सामान। चले अब भूख लगी, खाना खाने चले। तब हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है, तब हम लोग खाना खा लेते हैं। बस हमारी ग्रॉसरी अब कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, अब हम लोग कैंट से बाहर निकल रहे थे और इतना थक गए थे ना हम लोग, और इतनी गर्मी भी थी बाहर में बिल्कुल, मैं तो हाँफ रही थी और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। बाकी फिर हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं कैंटीन से बाहर निकलने के बाद। ये पड़ता है रामगढ़ घाटी रोड पड़ता है, यहाँ का नज़ारा तो बहुत सुंदर है, नज़ारा जितना सुंदर है ना ये एरिया भी उतना ही खतरनाक एरिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए, तो रास्ते में ये रामगढ़ घाटी रोड पड़ता है, तभी ये घाटी क्रॉस करते हुए हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचेंगे।
देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे बहुत थोड़ा रात में तो काफ़ी डेंजरस लगता है, ये हम लोग रात में किधर से क्रॉस किए काफ़ी डेंजर लगता है, बट अभी दिन में तो फिर भी अच्छा है। हमको प्यास लग रहा है, गन्ना जूस मिल रहा है ना, चलिए पहले गन्ना जूस। हाँ, बहुत तेज प्यास लगी है, चल। भूख तो बहुत तेज लगा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। वैसे सच बोलूँ तो झारखंड बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर आप झारखंड से हो तो आप जानते होंगे कि कितना अच्छा जगह है झारखंड। हर जगह चारों तरफ सिर्फ हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ यही नज़र आते हैं। मसाला डालिए क्या भैया? नींबू मसाला आप लोग का। अभी हम लोग की कार रुकी हुई है घाटी रोड पे, रांची रामगढ़ घाटी रोड पे, और यहाँ पे अभी हम लोग जूस पीने के लिए रुके हुए। बहुत गर्मी है और बहुत तेज प्यास भी लगी। फिर ये गन्ने का जूस आ जाता है हमारा, फिर पीते हैं हम लोग सबको यहाँ पे। और इतनी गर्मी थी ना अभी 2-3 दिन से, झारखंड में बहुत बारिश हुई थी बट उसके बाद बहुत गर्मी पड़ गई। तो हम लोग पहुँच गए अपने नानक ढाबा रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग जब भी रामगढ़ आते हैं ना कैंटीन पे यहीं आते हैं हम लोग खाने के लिए। ये पड़ता किधर है ये आप लोगों को दिखाते हैं। ये पड़ता है आपको ये रांची रोड है। इस रोड में रामगढ़ से रांची जाने का रोड है। इसी रोड में ये रेस्टोरेंट पड़ता है और यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी है। हम लोग जब भी आते हैं लोग यहीं आते हैं खाने के लिए। चलिए अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं रेस्टोरेंट में यहाँ पे क्या क्या खाना मिलता है। प्रथम कहाँ गया बोलते हैं? और ये प्रथम को देखिए ये कहाँ है, इसको बस अपने सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी को आता है कैंटीन आने में। भैया लोग के साथ चला गया वहाँ पर, अपना लंच बॉक्स ले करके अपना खाना ले कर रखा हुआ है, खाएगा मस्त मज़े से आ रहा है। हर जगह से एक जूस लेकर के आता है आके। और ये हम लोग का सैलेड आ गया, खाने से पहले ही हम लोग को मिल गया मसाला सोडा, पहले पचाएं फिर खाएं। हम लोग का खाना सर्व होने लगा है अब। सर इधर सर्व हो रहा है खाना, दाल फ्राई, राइस, चपाती, मिक्स वेज सैलेड, और क्या मंगाए थे, भुजिया। अभी जो भुजिया आएगा वो सबसे टेस्टी लगता है आपको खाने में। ये क्या शाही पनीर है ना, कढ़ाई पनीर फेवरेट है, बहुत क्रिस्पी बनता है, फ्रेंच फ्राइज की तरह होता है ये खाने में। ऐसा लगता है कि किसको लगता है भुजिया सबसे टेस्टी लगता है खाने में, एकदम फ्रेंच फ्राइज की तरह होता है ये। ठीक है अब हम लोग खाना खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होता है। चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट है, ये आपको रामगढ़ NH 33 पे पड़ता है ये रेस्टोरेंट। कोई अगर यहाँ से मुझे देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा ये वाला रेस्टोरेंट कोई आया है खाने के लिए, हम लोग का तो ये बहुत फेवरेट है। लोग एक एक बोतल पानी पीता है, आदमी दो दो बोतल पानी। हाँ, एक भैंस है दूसरे भैंस को ढूंढ लिया। एक भैंस एक भैंसी। ये वाला रसगुल्ला पैक करवा रहे हैं, घर में खाएंगे। क्या बोले फिर से बोलिए, प्रूफ रखना होगा ना। लग रहा है हमको, हाँ गाड़ी चला कर खो जाएंगे। हाँ है ना, आगे हम लोग का जिम्मेदारी आप ही पर है। खाना वाना तो खा लिया, प्रथम का हर जगह खाना लेके चलते हैं, वो बाहर तो कुछ भी नहीं खाता है, तो हम लोग का खाना तो हो गया। अब चलते, कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी भाई, हम पहली बार तो नहीं खा रहे, खाते ही रहते हैं हम लोग। अब चलिए घर की ओर चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं रास्ता में कुछ ऐसा रहेगा तो शेयर करते चलेंगे आप लोगों के साथ। चलिए आगे चलते। क्या लिखा है यहाँ पे? चलिए चलिए बबलू बढ़ाइए गाड़ी। इस बार रिटर्निंग में जब घाटी रोड से हम लोग लौट रहे थे ना, मैंने बोला था ना जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है ये एरिया। मतलब बैक टू बैक हम लोगों को इतने सारे एक्सीडेंट दिखे ना, मतलब देख करके ना दिल ना सहम जाता है। मतलब अभी आपको मैं दिखाऊंगी, एक ट्रक एक्सीडेंट यहाँ हो रखा था, बिल्कुल 10 कदम पर दूसरा हो रखा था, फिर आधे किलोमीटर पर, मतलब ऐसे करके हमने बैक टू बैक 6-7 हमने देखा था। बहुत मतलब रात के समय तो ये सब एरिया बहुत खतरनाक होता है, दिन में जितना ही सुंदर ना रात में ये उतना ही खतरनाक एरिया होता है। अभी हम लोग की गाड़ी रुक गई है चाय पीने के लिए, अब हम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, आज बहुत थक गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे कुछ शेयर कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे चाय पीने के बाद एंड कर दूँगी। चलिए देखते हैं जैसा होगा। पूरा झारखंड का उल्टी बस हम लोग यहाँ फिर पेटरवार पहुँच जाते हैं। यहाँ की जो है ना अनरसा बहुत फेमस है, ये वृंदावन लस्सी और चाय है ना,
कोई अगर मुझे यहाँ से देख रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ का अनरसा बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो अभी बस वही हस्बैंड लेने गए थे तो लेकर के आ जाते हैं, और साथ में ये ना पेठा भी लेकर के आते हैं। और मतलब हम दोनों ही ना खाने में बहुत शौकीन है, चाहे वो घर का खाना हो या बाहर का खाना हो, हम दोनों ही बहुत मज़े से खाते हैं। तो बस ये ला करके रख देते हैं कि मान लो को भी बहुत पसंद। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और फेस वेस मैंने क्लीन कर लिया है, बहुत डस्ट हो गया था और काफ़ी थक भी गई हूँ। तो ठीक है, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।